खबर यूपी के बिजनौर से। यूपी के पूर्व परिवहन मंत्री अशोक कटारिया के सत्यसंग व भंडारे में शामिल होने के लिए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी व यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शिरकत की। मुख्यमंत्री की सुरक्षा के लिहाज से पुलिस प्रशासन ने कड़े बंदोबस्त किए। बिजनौर शहर के चारों तरफ पुलिस बैरिकेडिंग लगाकर पैनी नजर रखी गई। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज दोपहर पुलिस लाइन में बने हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर से उतरकर सीधे बिजनौर के भाजपा दफ्तर पहुंचे, जहां पर उन्होंने भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर 2024 में लोकसभा चुनाव को लेकर जीत का मंत्र दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आज ही लखनऊ में एक बीसी सखी जो होती है, बैंक सखी जो होती है, उनका एक राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन था। उसमें शामिल होने के कारण से मुझे आने में भी देर हुई है, लेकिन महिला सशक्तिकरण पर सर्वाधिक जोर है। हमारे 3 लाख और नए समूह प्रयास है, सितंबर तक वो बन जाएंगे तो हमारे 10 लाख समूह हो जाएंगे, अर्थात 1,20,00,000 हमारी बहने जो गरीब परिवार से आती हैं वह सब किसी न किसी रोजगार का हिस्सा बन जाए और उनको आय का एक नया स्रोत खड़ा होगा। यहाँ पर भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, लेकिन यह भी आज निर्देशित किया गया है कि जो सरकार की जमीन या किसी निजी जमीन को, चाहे चारागाह की जमीन हो, चाहे तालाब की जमीन हो, चाहे चक मार्ग की जमीन हो, बहुत सारे लोगों ने अवैध कब्जे करके रखे हैं। कोई गरीब का कब्जा है तो उसको वैकल्पिक प्रबंध करा करके खाली कराएंगे, और कोई माफिया कब्जा किया है तो उससे खाली कराने में न देरी करना है न संकोच करना है। यह भी आज निर्देश स्पष्ट रूप से दिया गया है। चिकित्सालयों में जो जरूरी सुविधाएं हैं, दवाओं की जांच की, वह भी पर्याप्त तरीके से सही तरीके से उपलब्ध रहे। आयुष्मान कार्ड धारक के लाभार्थियों का इलाज सरकारी और गैर सरकारी हॉस्पिटलों में हो और किसी भी आयुष्मान कार्ड धारक को समस्या ना हो, यह भी कहा गया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार की मंशा के अनुसार यहाँ की पूरी सब अधिकारियों की, चाहे पुलिस से, चाहे प्रशासन से जुड़े हुए, विकास से जुड़े हुए, शिक्षा से, चिकित्सा से जुड़े हुए सब लोग मिलकर के टीम वर्क करेंगे और बिजनौर के नाम को और जो एक अच्छा नाम है, एक अच्छा स्थान, उसको अच्छा बनाने का काम करेंगे। इस समय मुझे इतना कहना, कोई एक सवाल आपका कुछ हो तो आप पूछ लो। आज आपके यहाँ कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, ये हमारे गुरु महाराज हैं जिनको हम अपना भगवान मानते हैं, स्वामी कृष्ण स्वरूप महाराज जी। और ये मतलब आप ये मान लीजिए कि बिजनौर जिले के अंदर इनके बहुत अनुयायी हैं, 16 आश्रम इस जिले के अंदर इनके हैं, बहुत ही उच्च कोटि के संत थे जिनको कभी किसी ने जीवन में न आते देखा न जाते देखा। उनकी अगर वो पहनने का वस्त्र अगर टंग रहा है बाग में तो वो आ गए हैं, और नहीं टंग रहा तो चले गए। इस तरह के उच्च कोटि के संत, उनका प्रतिवर्ष भंडारा यहाँ हम कराते हैं 25 मई को। उन्हीं की कृपा से आज भी ये भंडारा हो रहा है, और उन्हीं की कृपा से हो रहा है जो